तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये स्वास्थ्य शिविर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तत्वाधान में इंद्रलोक कॉलोनी वार्ड नंबर 82 में स्थानीय पार्षद प्रेरणा सिंह के प्रयासों का नतीजा है। कार्यक्रम वार्ड नंबर 82 के MCD स्कूल सराय बस्ती में आयोजित हुआ, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, नेत्र जांच, महिला रोग, दांत रोग, बाल रोग की जांच के साथ ही पोस्ट कोविड सलाह भी दी गई। कार्यक्रम में CMO डॉक्टर HS मीना, पूर्व पार्षद और समाज सेवी तरुण कुमार और साथ ही कई स्थानीय प्रमुख लोग भी मौजूद रहे और इसी दौरान ये सभी ऑर्गेनाइजर्स और सभी संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों ने सभी जांच स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण भी किया और शिविर की महत्वता पर भी चर्चा की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दया बस्ती के निगम के स्कूल में और आप यहां पर, मैं चाहूंगी कि आप देख पाएं कि यहां पर एक जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ है, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन किया गया है वो किया गया है यहां की स्थानीय निगम पार्षद प्रेरणा सिंह के द्वारा। तो प्रेरणा जी से भी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और आज यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ इसके पीछे का मकसद रहा। प्रेरणा जी, आज आपने ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, पहली बात तो कैसे जहन में आया, क्योंकि कोविड जैसी बड़ी जो महामारी का समय था उससे जो जनता वो जो जूझ रही थी उसके बाद इस तरह का कैंप लगना, आप इस क्या मानसिकता रही है इसके पीछे? देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है ये आदरणीय HS मीणा जी हैं, CMO हैं, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर जनरल फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियंस, जिसमें आप शुगर BP भी आपका चेक हो रहा है, पेडियाट्रिशियन और इसी तरीके से तमाम जो बीमारियाँ हैं उसके डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर चेकअप भी करा रहे हैं, उसके अलावा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में आ रही है वो मेडिसिन्स भी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग सभी दवाइयाँ हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तरुण जी भी हैं यहाँ से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत सक्रिय नेता भी हैं यहाँ पे और समाज सेवी के तौर पर भी काम करते हैं। तरुण जी, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो परेशान है, अपनी बीमारियों का खर्चा नहीं उठा पा रहे क्योंकि मेडिकल की जो सुविधाएं बहुत महंगी हो गई हैं इस वक्त, ऐसे में इस तरह के कैंप को लगाना किस तरह से आप मानते हैं, कितना ज़रूरी है? देखिए, इस ऐसे कैंप्स जो हैं वो पूरे दिल्ली भर में और पूरे देश भर में लगने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में जाने से कुतरा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंप्स जो हैं जहाँ पर आई चेकअप हो रहा है, जहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हैं, जहाँ पर जनरल फिजिशियन बैठे हैं, जहाँ पर BP शुगर चेक हो रहा है और भी विभिन्न तरह की बीमारियाँ हैं जो उनका यहाँ पर चेकअप हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दवाई भी यहीं पर मिल रही है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कैंप्स तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगे उतने कम हैं, क्योंकि तो जनता को सीधा सीधा से फ़ायदा होता है और ख़ास तौर से जो गरीब है, हमारे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो छोटे मकानों में रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है ये। सर, क्या आप भी इसी इलाके से आते हैं? जी सर, इस तरह के कैंप को आप किस तरह से देखते हैं, कितने ज़रूरी हैं आज के समय में इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होना, क्योंकि हर एक के पास मेडिकल सुविधा इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती है? मैम देखिए, पीछे कोरोना काल से लोगों को कारोबार ख़त्म हो गए, जो क्लस्टर टाइप के एरिया के लोग हैं वो कारोबार से टूट गए, उनके पास इतनी पूंजी नहीं कि मतलब कि वो किसी डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज करा सकें। डॉक्टर मीना जी की और हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रेरणा सिंह जी और तरुण कुमार जी सचिव SEC की कृपा से अगर ये इस तरीके के कैंप का आयोजन किया गया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने क्लस्टर गरीब लोगों को देखते हुए इस तरीके के कैंप का आयोजन करवाया और आगे भी लगातार ये करवाते रहेंगे, ताकि जनता को जो असुविधा होती है, गरीब लोग दवाइयाँ नहीं ले सकते, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य। CMO डॉक्टर मीना जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीना जी, यहाँ पर हर तरह का चेकअप हो रहा है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, किस तरह से आपने प्लानिंग की है इन सब चीज़ों की और कैसे ये डिसाइड किया गया कि किन किन बीमारियों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए ऐसे कैंप लगेंगे? ये मैम, हमारी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि कोविड में क्या हो रहा था कि कोई लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेस नहीं हो रही थी, तो ये हमारे सभी वार्ड्स में लगाया जा रहा है और हमारी सारी टीम हिंदू राव या कस्तूरबा हॉस्पिटल से है। और हमारा दूसरा एक है कि यहाँ से जो रेफ़र होगा वो किसी भी पॉलीक्लिनिक में या हिंदू राव हॉस्पिटल में उसको प्रेफरेंस मिलेगी इन फ्यूचर ट्रीटमेंट, मतलब अगर रेफर होता है तो, यानी कि अगर कोई उसे गंभीर बीमारी, मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन आया है, वो हिंदू राव जाता है। अच्छा। तो
तो वो उसको लाइन से जनरल लाइन में ना लग के उसको अगर इस रेफरेंस स्लिप के साथ जाता है तो उसको प्रेफरेंस वहाँ दी जाए। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अमूमन देखा जाता है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो लंबी लाइनों का आपको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका कहीं नंबर आता है और तब जाकर आपका इलाज हो पाता है। लेकिन इस तरह के जो कैंप नगर निगम ऑर्गेनाइज कर रहा है उससे जो फ़ायदा है वो ये होने वाला है कि अगर इसकी स्लिप आप दिखाओगे तो आपको प्रेफरेंस जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। लोगों की भलाई और सुविधा के लिए कार्य करना और अपने ऊपर बैठे लोगों को जमीन तक लाकर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रखना, यही एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है जिसे पार्षद प्रेरणा सिंह बखूबी निभा रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि जांच शिविर में 200 से 300 की संख्या में पहुंची लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी थी। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।